राइट, सो गुड मॉर्निंग गाइस और वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिप्स मोटो। सो यार अभी सीन क्या हो रखा है, 3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत गंदी लिख रहा थी, वायरल थी, इसलिए वीडियो थोड़ा सा डिलेड है, 2 दिन आई थिंक, 2 या 3 दिन डिलेड है। और यार तुम लोग का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ओनली 130 सब्स के अराउंड और बचा है, देन हमारी 1K की फैमिली पूरी हो जाएगी, 1000 सब्स मेरे पूरे हो जाएंगे और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गाइस। और बस जल्दी जल्दी फटाफट करा दो यार, नवंबर चल रहा है, इसी में करा दो एंड तक में फटाक से। अभी क्या एक्साइटमेंट लेवल और ऊंचा बढ़ गया है, एक्साइटमेंट मेरा और बढ़ रहा है अभी। सो गाइस फाइनली एक प्लान कर रहा है गिव अवे, मैं एक गिव अवे प्लान कर रहा हूँ 1000 सब्स पे, तो मेरे पास कुछ स्टेप्स है और गिव अवे में प्लान करता हूँ तो ठीक है, वो भी इंस्टाग्राम पे ही रखेंगे तो इस पर आगे बात हो जाएगी। और स्टिल तब तक के लिए इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लो इंस्टेंट अपडेट्स के लिए, और सब लिंक वगैरह मेरा सब डिस्क्रिप्शन में पड़ा है इंस्टाग्राम का भी हर चीज़। और तब तक के लिए वीडियो इन्जॉय करो। सो गाइस फाइनली दिस इज़ द ऑल न्यू पल्सर 125। और लिटरली बताऊँ मुझे गाड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। वैसे पल्सर क्या है कि डायनामिक्स में या लुक्स में कुछ खास चेंज नहीं कर रही, बट गाड़ी में जो पावर पल्सर देती है बजाज हमेशा से, और जो फीचर्स हैं काफ़ी बेटर हैं गाड़ी में, बहुत ही अच्छे हैं। चलिए थोड़ा और डिटेल रिव्यू लेते हैं इस बाइक का। सो गाइस कमिंग फ्रॉम द हेड, आपको वही वाइजर मिलता है, बीच में बजाज का छोटा सा स्टिकर लोगो टाइप मिलता है, थोड़ा सा क्रोम मिलता है या क्रोम गार्निश जैसी फिनिश मिलती है आगे, तो काफ़ी अच्छी लगती है। और 2 डे टाइम रनिंग लाइट्स टाइप या LED टाइप कह लीजिए, छोटी सी लेकिन इसमें भी बल्ब है वही अलॉट किए जाते हैं, और हेडलाइट में भी आपको बल्ब दी जाती है, बट इसका क्या लाइट एमिशन काफ़ी बेटर है और रात में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगर फोक्स पे ध्यान दें तो फ्रंट फोक्स टेलीस्कोपिक है, और डिस्क ब्रेक दी जाती है फ्रंट व्हील्स में, और पीछे ड्रम है, बट गाड़ी में CBS का सिस्टम अलॉट किया गया है, वो मैं भी थोड़ा डिटेल में आपको दिखाऊंगा। तो अलॉयज अलॉट की जाती है मैट ब्लैक फिनिश में, और यहाँ पर देख सकते हैं आप थोड़ा कुछ डिफरेंट इन्होंने दिया है। एयर शिफ्ट्स वही पुरानी पल्सर 150 की ही तरह है, कुछ खास डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे ध्यान देंगे तो 125 का आपको 3D एम्बलम मिलता है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में, और हर चीज़ बहुत सही है। सीट्स पे ध्यान दें तो सीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं, अपहोल्स्ट्री अच्छी है बजाज की, आपको सीट्स अलॉट की जाती है गाड़ी के साथ ही। और लाइट्स वगैरह फाइनली अगर टैंक पे आते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से स्टिकरिंग मिलती है, और ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी फिटेड है ना, तो ये भी कंपनी फिटेड है, कंपनी ने फिट करके दिया, तो ये काफ़ी सही है। टैंक पे स्क्रैचेस नहीं पड़ता अगर आप कुछ रखते हो सामने, या अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो जनरली होता है कि बेल्ट के बक्कल वगैरह से यहाँ पे स्क्रैच पड़ जाता है, बट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पल्सर की आपको 3D एम्बलम मिलेगा इस तरीके से, और 150 में यहाँ पे ऐसे थोड़ा निकला रहता है इंसर्ट्स, तो काफ़ी अच्छा लगता है। 125 में वो चीज़ नहीं है, टैंक लीड है काफ़ी अच्छा है। आते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंसोल पे, तो इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की बात करें तो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंटल कंसोल अब बजाज दे रही है, और आई थिंक ये काफ़ी डिटेल्ड हो गया है। साइड स्टैंड का है, फ्यूल का है, और ट्रिप मीटर्स हैं सारे, ओडोमीटर हैं, स्पीडोमीटर डिजिटल है, और ये RPM मीटर, RPM लिमिट भी दे दी गई है, तो ये काफ़ी बढ़िया है, पहले शायद नहीं आता था। न्यूट्रल का ये है, बैटरी का ऑप्शन यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है, ये हाई बीम का है, ये टर्न इंडिकेटर्स का है। साइड स्टैंड लगा है तो स्टिल साइड स्टैंड का दिखा रहा है, अभी फ्यूल का है, ओडोमीटर है, 904 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। क्लिप ऑन हैंडल बार्स अलॉट किए जाते हैं, पल्सर हमेशा से क्लिप ऑन हैंडल बार्स देती थी इन मॉडल्स पे, और अभी भी वही दिए जा रहे हैं। अब ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा, ये CBS सिस्टम है इनका, लेकिन इन्होंने कैप लगाया और इसके अंदर ही ब्रेकिंग का पूरा है, तो शायद जब आप अगली ब्रेक लगाते हो देन आपकी पिछली ब्रेक भी प्रॉपर एक रेशियो में लगती होगी, तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम है। इंजन किल स्विच हॉर्न और सेल्फ, इधर आपको लो बीम हाई बीम का, और ये आपका पास लाइट हो गई, ये आपके इंडिकेटर्स हो गए, ये आपका सेल्फ हो गया। अगर पीछे की व्यू पे ध्यान दें तो गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, और वही पुरानी पल्सर वाली लाइट्स अभी भी LED दी गई है, तो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। और इंडिकेटर में आप LED की उम्मीद मत ही लगाओ, अभी भी बल्ब भी दिया जा रहा है। और पीछे ड्रम ब्रेक है 130 mm की, रियर ड्रम ब्रेक आपको अलॉट की जाती है। ट्यूबलेस टायर है, MRF नैलॉन ग्रिप जैपर C1 सीरीज़ के टायर्स दिए गए हैं आगे पीछे दोनों, और ये दोनों ट्यूबलेस हैं, 17 inches के टायर्स हैं इसमें। अगर गाड़ी के टैंक की बात की जाए तो अराउंड 13.5 लीटर का इसमें टैंक अलॉट किया जाता है, और एवरेज की गाड़ी की बात करें तो अराउंड 45 to 48 एवरेज कितना है इसका, 1 लीटर में कितना दे रही थी 48 अभी ना। सो गाइस फाइनली अगर इसके एवरेज की बात करें तो अराउंड 45 to 50 अकॉर्डिंग टू मेरा दोस्त जो भी चला रहा है उसके हिसाब, फर्स्ट एक सर्विस हो चुकी है गाड़ी की, और अराउंड ये 45 to 50 का एवरेज दे रही है, तो काफ़ी अच्छा एवरेज है, एवरेज बहुत बढ़िया दे रही है गाड़ी।
और राइट सो गाइस यार फाइनली अगर इसके कर्व वेट की बात करें तो अराउंड 140 केजी इसका कर्व वेट है और गाड़ी में वेट भी काफ़ी अच्छा है। 5 गियर अलॉट किए गए हैं, कार्बोरेटर सिस्टम पे है, फ्यूल इंजेक्टेड नहीं है और यही सब फीचर है। तो गाड़ी ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी है 125 सीसी के अकॉर्डिंग, जो KTMs नहीं प्रिफर्ड कर सकते या इश्यूज हैं KTM वगैरह के साथ, वो 125 सीसी में मोस्ट पावरफुल बाइक एज अ पल्सर को ले सकते हैं। और पल्सर डेफिनेटली मेल हमेशा से उसका टैगलाइन रहा है। तो लिटरली बताऊँ गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, अगर आप लेने की सोच रहे हो या लेना चाहते हो तो ये यू कैन गो फॉर इट। और बस ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, होप से ये वीडियो पसंद आया हो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।